जो मैं हूँ आज, जिस जगह स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो मेरी माँ का और मेरे फादर का ही रहा था। मदर जो है, मैं एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो बिजी रहता है, अपनी प्रैक्टिस से बिजी रहता है, तो वो अपनी डाइट को प्रॉपर तैयार नहीं कर पाता है। तो मेरी माँ ने सब चीजें छोड़ के जो है मेरे लिए डाइट की तरफ ध्यान दिया। हमारी फैमिली में नॉन वेज नहीं खाते थे, मेरे परिवार में नॉन वेज नहीं खाते, मेरे लिए स्पेशल नॉन वेज बना। ये सब चीजें जो है, मतलब सेक्रीफाइसेस ही बोल सकते हैं इन सबको भी, काफी मतलब और चीजों सब चीजों से ध्यान रखा कि मेरे लिए स्पेशल ध्यान रहना, हर चीज काउंट होती है। मदर प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी। Mother is such a creature in this world that nobody can compete or nobody can give you. I always do, whenever I go for a competition or whenever I, because I live in Delhi from last 25 years, so my mother lives in UP. So I don't meet her regularly, but now this video calls and Skype and all these WhatsApp, so now we can relate more. She motivates me, she gives me power, and without her support and power, I cannot be here where I am right now, you know. And I am really thankful to my mom, and that she sacrificed a lot of things to take me on this place where I am right now. And I will be thankful always till I am alive. And I really want to say thank you on me. आज तेजस्विनी सावंत एक इंटरनेशनल शूटर या जो भी तेजस्विनी सावंत के आसपास का जो एक ऑरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मामा की वजह से है। अगर मेरी मामा ने मुझे फोर्स नहीं किया होता, अगर वो मेरी पीछे मेरी बैकबोन बनके खड़ी नहीं होती, तो शायद मैं कुछ करियर में कर नहीं पाती, या शायद मैं थक के या हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन से हार के मैं शायद बैठ जाती, मैं ये छोड़ देती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से और उनके पुश की वजह से मैंने अपना शूटिंग कंटिन्यू किया और मैं आज यहाँ हूँ, ओलंपिक जा रही हूँ। तो हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे मामा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं जितनी भी माताएं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मदर्स डे की आपके माध्यम से बधाई भी देता हूँ। माँ का तो हर दिन माँ का ही होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से, और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, हमेशा खुश रहें।